we know that it's known for their well behavior, like everyone obey the rules, have respect towards each other. The Japanese people also follow protocol/etiquette in their dining. और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे. Let's start the video titled 10 Amazing Japanese Dining Etiquette. Let's begin with our first one, seating. In a traditional way, Japanese meals को formal places like पर एक handmade plated mat जिसको tatami कहते हैं उस पर बैठ कर लिया जाता है. कुछ traditional dining events पर खास sitting style होता है. People sit in seiza position जो कुछ इस तरह का होता है. This is uncomfortable for some people, so हमारे पास दो और options होते हैं. अगर male हो तो cross legs करके and अगर female हो तो legs एक तरफ fold करके बैठ सकते हो. If you are going for eating out with or by your office mate slash team, तो उसमें कुछ और formal तरीके से specific seats पर बैठा जाता है. Then let's move on to the another one, directions to eat. Never raise the food above your mouth. आपका मुंह ही सबसे हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए चॉपस्टिक्स के लिए. नंबर 3, प्लेसिंग द फ्लैटवेयर. अब देखिए, फ्लैटवेयर मींस जो भी यूटेंसिल जिससे एंड जिसमें आप खाना खा रहे हैं वो. खास चॉपस्टिक्स की बात करें तो आपने पहले भी किया होगा कि चॉपस्टिक्स को ईटिंग बोल के ऊपर रखा हो कह के कि ये एक डिसिप्लिन मैनर है. बट यू आर रॉन्ग. बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ईट विद चॉपस्टिक्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स. यस, हमें कभी भी वैसे नहीं रखना चाहिए चॉपस्टिक्स को, ये रूल्स का उल्लंघन होगा. चॉपस्टिक के साथ उसे प्लेस करने का एक एक्सेसरी होता है, उस पर रख सकते हो. ऑल्सो व्हेन यू आर ईटिंग राइस, बोल के ऊपर चॉपस्टिक गलती से भी मत रखना, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड द साइन ऑफ डेथ. नंबर 4, आफ्टर मील. इन जापान हमें कभी भी प्लेट्स में खाना नहीं छोड़ना चाहिए. इट इज कंसिडर्ड बैड, चाहे आप घर पर हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में. इट्स रिलेटेड टू वन ऑफ द जापानीज कॉन्सेप्ट मोताइनाई, व्हिच मींस अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट दैट वी हैव वेस्टेड समथिंग. इवन दिस थिंग इज आल्सो सीन इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड फ्रांस. एडिशनल पॉइंट, नेवर कैच द फॉलिंग फूड. व्हाइल इट मे सीम पोलाइट, आपको नहीं करना चाहिए. अगर खाते हुए गिर जाए तो उसे गिरने दीजिए. बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें खाते वक्त स्लर्प नहीं करना चाहिए. बट नॉट देयर, दैट कंट्री इज डिफरेंट. स्लर्पिंग जापान में एक बैड हैबिट नहीं है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर डाइनिंग एटिकेट. मोर ओवर, इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट इफ अ पर्सन वोंट स्लर्प वाइल ईटिंग, इट इज़ कंसिडर्ड दैट ही इज नॉट लाइकिंग द फूड, ही इज डिसअपॉइंटेड बाय द शेफ. Now in this point I will tell you about placing the flatware after the meal. इससे पहले मैंने बताया था कि आपको flatware को कैसे place करना चाहिए खाने से पहले और खाते वक्त, और अब मैं आपको बताऊंगा खाने के बाद कैसे रखना चाहिए. जैसे plates arrange थी उसी order में हमें plates को arrange करके रखना है दोबारा. This process includes replacing the lids on the dishes and putting your chopsticks back on the chopstick accessory. And ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा important है जापान में. नंबर 8, रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब यहाँ पर है सोया सॉस और बाकी सॉसेस की रिक्वायरमेंट. एक बात जो कि आप सबको याद रखनी चाहिए कि वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ हाउ मच सोया सॉस वी आर पोरिंग फॉर आवर सेल्फ. को एक छोटा बाउल प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें आपका उतना ही सोया सॉस निकालना है जितना कि आपको रिक्वायर्ड है, और एक से ज़्यादा बार सोया सॉस लेना बैड मैनर्स कंसीडर किया जाता है. अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चाइना. इस पॉइंट पे मैं बताऊंगा चॉपस्टिक्स मैनर्स के बारे में. वी शुड नॉट स्टैब द फूड विद चॉपस्टिक्स, ये एशियन कंट्रीज में बुरा माना जाता है और स्पेशली इन जापान एंड चाइना. रिगार्डलेस इफ इट्स राइस, मीट, egg, do not use your chopsticks to get it through stabbing
इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोलाइट एंड ये बहुत रूड होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 9 और नंबर 10 दोनों अलग पॉइंट्स होंगे एज कम्पेयर टू इससे पहले के पॉइंट से। सो जनरली वो इंसान जो सबको डिनर पर इनवाइट करता है वही बिल को पे करता है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, टिपिंग। टिपिंग का मतलब क्या होता है? टिपिंग वर्ड मीन्स किसी को सर्विस के बाद रिवॉर्ड देना। बट इज टिपिंग रूड इन जापान? आपने यही सुना होगा कि टिपिंग जापान में रूड है और पूरे इंटरनेट पे भी यही फैला हुआ है। बट दे टोल्ड यू द इनकम्प्लीट ट्रूथ एंड नाउ आई विल टेल यू द कम्प्लीट ट्रूथ। वो बताते हैं कि टिपिंग इज रूड इन जापान बट दे डोंट टेल इन विच कंडीशंस टिपिंग इज रूड इन जापान एंड हाउ एंड व्हाई इट इज रूड। बट आई विल टेल। रेस्टोरेंट में टिप करने की बात करें तो आपको सुन के शौक हो जाए कि उसमें पहले से ही टिप इंक्लूड होती है। एक्चुअली इट इज़ नॉट टिप, इट इज़ लाइक सर्विस चार्ज। अगर आप रेस्टोरेंट बिल देखेंगे जापान में तो उसमें 10-15% सर्विस चार्ज भी होता है। एंड होटल्स की बात करें तो कुछ वेस्टर्न स्टाइल यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरह डिज़ाइन है वहाँ पर कभी कभी टिपिंग एक्सेप्ट कर ली जाती है। हाँ, अब आती है बात कि टिपिंग डिसरिस्पेक्टफुल कब होती है। टिपिंग डिसरिस्पेक्टफुल तब होती है जब किसी पर्सन को ये लगे कि आप उसे टिप कर रहे हो क्योंकि वो सही अमाउंट में सैलरी नहीं कमा पा रहा है और उसे एक एक्स्ट्रा मनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड एंड नाउ आई एम very tired after making this video. I am going for a long break, winter break, and I will meet you very, very later. Bye bye.